नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोरोना अपडेट लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं। दिन का दूसरा कोरोना अपडेट आया है, जहां आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे तक कोरोना के 7 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल संख्या जो है वो 563 हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले आज ही 6 नए मरीज समस्तीपुर से मिले थे और अब 7 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संख्या बढ़कर अब 563 हो गई है। अगर आज नए मिले 13 जो मरीज हैं उसकी बात करें, अर्थात जो सुबह में पहला अपडेट आया था जिसके तहत बताया गया था कि 6 मरीज मिले हैं जो समस्तीपुर के थे, और इसके अलावा अगर अभी के अपडेट की हम बात करें तो इसमें जो 7 नए मरीज मिले हैं उनमें से एक मरीज जो है वो कटिहार का है, वहीं एक मरीज सुपौल का है, 2 मरीज सहरसा के हैं और 3 मरीज दरभंगा के हैं। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि बिहार में कोरोना के नए मरीज मिले हैं और अब संख्या बढ़कर 563 हो गई है। इस दौरान एक जानकारी आपको हम और भी दे दें, और ये जानकारी है कि बिहार में इससे पहले 33 जिले प्रभावित थे और अब बिहार में 35 जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण पाया गया है। आज जो अभी 7 नए मरीज मिले हैं, इनमें से एक मरीज सुपौल से मिला है। सुपौल में अभी तक कोई मरीज नहीं था, सुपौल में भी अब एक मरीज मिल गया है। वहीं बात अगर सहरसा ही करें तो अब तक सहरसा में एक भी मरीज नहीं थे, अभी सहरसा में 2 नए मरीज मिले हैं। और बता दें कि सहरसा के सौर बाजार इलाका है, वहां से ये मरीज मिले हैं। वहीं सुपौल की अगर बात करें तो वो है भालवार बाजार, तो ये 2 जगह है जहां से मरीज जो है वो मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले जो 6 नए मरीज मिले थे, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि वो मरीज जो थे वो अलग अलग जगहों से जो पाए गए थे वो समस्तीपुर के मरीज थे। तो ये पूरी जानकारी आज की जो दूसरा अपडेट आया है उसके तहत आपको बता दें कि अब बिहार में सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक 13 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संख्या बढ़कर 563 हो गई है। मरने वालों की संख्या की बात करें वो 5 है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो वो 246 है। तो आप अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब उन जिलों में भी संक्रमण फैल रहा है जिन जिलों में कोई भी मरीज नहीं था। उसकी वानगी है कि आज सहरसा और सुपौल से नए मरीज मिले हैं, तो सहरसा और सुपौल में जब नए मरीज मिले हैं वहां जिला प्रशासन अपने स्तर पर अब आगे के प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहा है। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और पूरा देश सुरक्षित रहेगा। आप अपना बेहद ख्याल रखें, चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें, यही वो गाइडलाइन है और इसी गाइडलाइन का आपको उपयोग करना है, इसी गाइडलाइन को आपको मानना है। फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट। आपका प्यार और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए। नमस्कार।